यूपी के बुलंदशहर में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट और पथराव हो गया, जबकि इस दौरान एक पक्ष के युवक ने तमंचे से दो राउंड फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में एक गोली घर के बाहर खेल रहे 11 वर्षीय काशिफ को लगी। काशिफ को बेहद नाजुक हालत में हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया है और पुलिस ने घटना में शामिल चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के झारखंडी खदरा की है, जहां परिवार पर टिप्पणी करने को लेकर एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के युवक से मारपीट और पथराव कर दिया। इतना ही नहीं, घटना स्थल पर भीड़ जमा हो जाने पर आरोपी पक्ष के एक युवक ने तमंचे से दो राउंड फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में एक गोली गली में खेल रहे 11 वर्षीय काशिफ को लग गई। घायल मासूम को गंभीर हालत में हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया है, जबकि पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले तीनों बेटों समेत उसके पिता को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस घटना में आगे की कार्यवाही में जुट गई है। जहीर अहमद, वहाँ लड़ाई, हम तो यहाँ थे ही ना कोई, हम यहाँ कोई नहीं थे, हम तो पल्ले घर थे, हमें तो यहाँ से पता पड़ गया, वहाँ जाकर वहाँ को भगे हम अस्पताल को, वो वहाँ से भी ले गए, गोली मारी यहाँ। किसको? लौंडे का। किस लिए मारी गोली? उसका नाम की पता ना हमें तो। किस लिए मारी गोली? किस लिए मारी? मारने के लिए मारी बाबूजी, हमारी कोई दुश्मनी नहीं, उनकी लड़ाई थी उनके आपस में, हमारी कुछ नहीं, उनकी लड़ाई थी आपस में, खड़े हो जाओ। बच्चे की कैसी हालत है? बच्चे की हालत वहाँ है, बच्चे की गोली है लगी, ठीक नहीं होगी। समीर नाम है। हाँ बोलो। वो मैं जैसे दूसरों की लड़ाई हो रही। कहाँ लड़ाई हो रही? वो यहाँ पे हो रही घर में, पल्ली माई से। उन्हें कह रही ना उनकी अम्मी आके, तो भागती हुई उन्हें कहा मैं गाली वाली भुगतार करने लगी, तो भाई साहब इतने में तो उसमें वो छुटाना आया, तो भाई साहब उसमें ही घूचे बजा दिए तगड़े करके घर में घुसा के। वो बाहर को निकला जैसे, फिर वो चला गया, तो पल्ली माई को चला गया, फिर उसके अम्मी आई जैसे, उसके बाद उसके अम्मी आ गए, तो उसमें उन्होंने हाथ में डंडा मार दिया और सिर पर डंडा मार दिया, तो कहकर मैं वो फिर चली गई जाके, फिर उन्होंने जैसे ऊपर से पिस्टन उठाई, तो पिस्टन उठा के भाई साहब उनके कहकर मैं मार दी लड़के को। हम दोनों पास में खड़े खेल ले, तो भीड़ में उन्होंने एक इंग चलाई, एक पल्ली मैक चला दी, तो हम भाग रहे थे, मैं उसकी गोली मार, झगड़ा भाई साहब उसकी, झगड़े का पतना पल्ली मैं आपस में झगड़ा हो रहा था। हाँ, दो गोली चलाई, एक लगी भाई साहब उन्हें लगी, क्या मैं इनके लड़के को मार दोस्तों उसके, हाँ लगी भाई साहब। थाना सिकंदराबाद के नई बस्ती मोहल्ले में आज लगभग 2:30 बजे फायरिंग की एक घटना हुई है, जिसमें एक बच्चे को, जिसकी उम्र लगभग 11 वर्ष के आसपास है, उसे गोली लगी है। यद्यपि उसका उस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं था, वो पड़ोसी बच्चा था जो खेल रहा था, और उसे गोली लगी है, उसे हॉस्पिटल में भेजा गया है, फिलहाल उसका इलाज किया जा रहा है। इसमें घटनाक्रम इस तरह से है कि सलमान लगभग 22-24 साल का युवक है, जिसकी एक माह पूर्व शादी हुई थी। शादी के बाद पता चला कि उसकी पत्नी जो है वो महिला न होकर किन्नर थी। इस बात को लेकर मोहल्ले के लोग रोज़ कमेंटबाजी करते थे, और आज उसी क्रम में ये अरजान, सलमान, फैजान और इरशाद के साथ उनके पड़ोसी कम्मू, सुहेल, समीर आज जो कमेंट करते थे, इनसे झगड़ा हुआ। झगड़े के क्रम में सलमान के परिवार के लोगों द्वारा पत्थर फेंके गए और सलमान के छोटे भाई अरजान के द्वारा फायर किया गया, और वो फायर जो है बगल के एक लड़के को लगा। फिलहाल इसमें चारों अभियुक्त, जिसमें अरजान फायर करने वाला है, उसका भाई सलमान, फैजान और इनके पिता इरशाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त तमंचा कारतूस बरामद कर लिए गए हैं। मौके पर स्थिति सामान्य है। बुलंदशहर से Time24 न्यूज के लिए इकबाल सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।